करें और आए को पाने। ये वृंदावन है, इन तस्वीरों को देख लीजिए, सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं, आंखों में एक आस है कि यमुना का रौद्र रूप कब शांत होगा। मेरा नाम मोहन उपाध्याय, वृंदावन से ही, ये जमुना नगर कॉलोनी। हाँ, स्थिति भैया, पानी, पहले पानी आया जो बहुत काफी स्थिति खराब हुई, यानी कम से कम कमर कमर से ज्यादा पानी रहा, अब भी कल तक की डेट में इतना इतना पानी रहा है। पानी के बारे में यही है कि जमुना भैया आप तो कृपा करें और इसको यहीं की यहीं धीमे धीमे निकाल दें, आगे पानी कम आए, इससे कि लोग आने जाने में परेशान न हो। वृंदावन में यमुना नदी में जलस्तर फिर से खतरे के निशान को पार कर गया है। वृंदावन में हर घंटे 1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग में 3 फीट तक पानी भरने से एक बार फिर नाव चलने लगी है। हालात ऐसे हो गए हैं जब कई गांवों में ट्रांसफार्मर पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए 100 से अधिक गाँवों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अब सैकड़ों परिवार रोड पर है। वृंदावन मोहिनी नगर कॉलोनी, ये मोहिनी नगर कॉलोनी परिक्रमा मार्ग। क्या समस्या है? समस्या कुछ नहीं है, ये पानी की समस्या है। किस प्रकार की समस्या है? पानी कितना आया यहाँ? पानी इस समय तो बहुत है। तो यहाँ के लोगों को मतलब किस प्रकार की समस्या का सामना? खाने पीने और वही समस्या, पानी वगैरह से। बच्चे हैं आधे से ज़्यादा तो बाहर निकल गए, आधे रह गए अभी। बस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, नहीं मिल रहा? हाँ मिल तो रहा, थोड़ा बहुत है। नहीं, अंदर कोई सहायता नहीं है, जो भी है सब बाहर है। स्कूल में जो बच्चे हैं, परिवार जो स्कूल में, उन्हीं को सहायता, अंदर कोई सहायता नहीं है। मेरा नाम लक्ष्मी चंद है। कहाँ करने वाले? मैं मोहिनी नगर खाजर, पानी गाम खाजर, पीछे से जो आ रहा हूँ। क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है, बाढ़ की समस्या। समस्या इतनी हो गई है कि प्रशासन ने कोई सहायता नहीं की, अंदर लोग फंसे हुए हैं, फिर भी खाने पीने के लिए लोगों को बार बार पानी में से निकल कर बाहर खाना पीना खाने के लिए आना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन से कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है जिससे कि खाना पीना अंदर पहुंच सके। कुछ लोग जो फंसे हुए हैं, बच्चे फंसे हुए हैं, लेडीज़ महिलाएं फंसी हुई हैं, जो कि मतलब दो टाइम का नहीं तो एक टाइम का खाना तो पहुंच सके अंदर। और समस्या यही है कि बिजली भी बहाल नहीं है। क्या बिजली की समस्या? तो यह है कि जब पानी सूख जाएगा, जब बहाल हो जाएगी, फिर भी विचित्र कहानी यही है कि आगे अंदर लोगों को परेशानी काफ़ी हो रही है। कब तक ये समस्या रहने वाली है साहब? ये तो पता नहीं है, लेकिन फिलहाल तो अभी पानी जो इस अंदाज से भरा हुआ है, इससे लगता है कम से कम 10-12 दिन से पहले पानी कम नहीं होने का। बहरहाल हरियाणा हो या पंजाब या हिमाचल, हर तरफ पानी का शोर है। अभी वृंदावन को कितनी राहत मिलेगी, आने वाला वक्त बताएगा। वृंदावन से सतपाल सिंह की रिपोर्ट।